है सिटी न्यूज मुंबई। इस वक्त मैं वर्सोवा के इस नायगांव वाले क्षेत्र में, जो कि सुरैला डैम के पाइपलाइन का टनल यहां से बनने वाला था, 29 तारीख की रात में जेसीबी सहित राकेश यादव नामक जेसीबी चालक अंदर दफन है। पुलिस आज तक अंदर दफन है, जिसे आज तक भी बाहर निकालने में ना तो राज्य सरकार को कोई कामयाबी मिली है, ना केंद्र सरकार को कामयाबी मिली है। सरकार है जहाँ बड़े बड़े दावा करती है, महासत्ता बन गया, चंद्रयान भेज दिया, विश्व में गगनता बज रहा है, आर्थिक महासत्ता है, लेकिन जब जमीन पर आओ, जमीन धरातल, आप देख सकते हैं क्या स्थिति है। 22 दिन के बाद भी आज तक यहाँ पे कितना काम हुआ है समझ में आ रहा है। आपको बता रहे इस तरीके का जो चेम्बर बना है, इस चेम्बर से वापस दोबारा इस तरीके की घटना ना घटे, इसके मद्देनजर प्रिकॉशन लिया जा रहा है, बचाव दल भी इसकी चपेट में ना आए, इसलिए इतना काम में देरी हो रही है। आपको बता दें जिस तरीके के दावे सरकारें कर रही थी, फिर चाहे एनडीआरएफ हो, चाहे फिर एमएमआरडी हो, या फिर उसके अलावा एलएनटी हो, या फिर आर्मी ने ऑपरेशन को हाथ में लिया है, उसके बाद भी अब तक का इन्हें कामयाबी हाथ नहीं लगी है। आज भी राकेश यादव का परिवार अपने इसके बच्चे, बीवी बच्चे सहित और अन्य लोग उसकी हड्डियों का इंतजार कर रहे हैं, ताकि उन्हें हड्डियां मिल जाए तो वो उसका अंतिम संस्कार कर चुके, जिसका ऑलरेडी पहले ही जो जमीन में दफन है उसे बाहर निकाल के दोबारा अंतिम संस्कार करने के लिए ये लोग तरस रहे हैं। अब तक इस स्पॉट पर नेताओं सहित मजदूर यूनियन और सामाजिक संस्थाओं ने आकर के धरना मोर्चा दिया, काफी दबाव प्रशासन पे डाला है, फिर भी यहाँ पे काम तस्से मस नहीं हो पा रहा है, क्योंकि बरसात, जो भारी वर्षा के कारण काम नहीं हो पा रहा है। और दूसरी बात यह है कि मुख्यमंत्री यहाँ पे आने के बाद भी स्थिति में कोई खास सुधार अब तक देखने को नहीं मिल रहा है। अब विरोधी पक्ष के नेता यानी एकनाथ यानी नाना पटोले यहाँ आ रहे हैं, जो कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं। अब देखना यह है कि वो भी आने के बाद यहाँ पे कुछ सुधार होने वाला है, या फिर इसी तरीके से राकेश यादव की हड्डियां पूरी तरीके से मिट्टी में मिल के खत्म हो जाएगी, या फिर उसका परिवार के हाथ में कुछ अंश लगेगा, ये तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। और प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले आ रहे हैं, आइए उनसे बात करते हैं। बॉडी यहाँ पड़ी है, मुख्यमंत्री आए, एनडीआरएफ आए, आर्मी आए, एलएनटी है, एमएमआरडी है, आज तक नाकाम साबित हो रहे, और बात होती है चंद्रयान की। ऐसा है कि केंद्र की सरकार हो या राज्य की सरकार हो, इनको गरीबों की जान की कोई परवाह नहीं। कीड़े मकोड़े जैसे लोग मरे और उनकी कीमत अपने पैसे से तोल ले, यही सोच इनकी है। मैंने अभी हमारे एमडी डिपार्टमेंट के उनसे मैंने बात की, उनको मैंने कहा कि ये निग्लिजेंस है और ऐसे समय में तुरंत कंपनी में ब्लैकलिस्ट किया जाए, क्योंकि जिस तरह से यहाँ पर काम करते समय में जो व्यवस्था वो कंपनी में करने की व्यवस्था बनाना चाहिए था वो नहीं किया। नहीं सुन ये 302 का FIR इसके ऊपर दर्ज होना चाहिए, और परिवार को अब किसी की जान तो वापस नहीं ला सकते, लेकिन उनके गलती के वजह से ये जान गई है, और इसलिए सरकार ने उनको ज्यादा से ज्यादा मुआवजा देना चाहिए, ये भी मांग कांग्रेस पार्टी करती है, और ये कंपनी पे कार्रवाई हो रही है, ये बोलने का कांग्रेस। सर, केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार, अपने आप को नैसर्गिक आपत्ति बता के बचाने की कोशिश कर रही है, क्या कहेंगे आप इसको? देखो, हमने अभी एमडी से बात करते समय स्पष्ट कहा है कि ये नहीं डिजास्टर नहीं है, ये डिजास्टर नहीं है, ये मानव निर्मित है, और मानव निर्मित होने की वजह से डिजास्टर पर टकल कर नहीं चलेगा। ये मामला विधानसभा में भी हम उठाएंगे, और महाराष्ट्र में गरीबों के जानों की कोई कीमत ही नहीं रही है, तो सरकार कीड़े मकोड़े जैसे इनकी जानें ले रही है, ये स्पष्ट हो। नाना, वो 22 दिन हो गए जेसीबी में दफन है राकेश यादव, सरकार सिर्फ वादे कर रही है, नौकरी देंगे, पैसा देंगे, लिखित रूप से आज तक किसी को कुछ भी नहीं मिला, ना तो फौरी तौर पे कोई कंपनसेशन मिल पाया। यादव परिवार को न्याय दिलाने की व्यवस्था कांग्रेस पार्टी करेंगी और पूरी एड़ी चोटी की कोशिश करेंगी। यादव परिवार के लिए विधानसभा से रोड तक की लड़ाई कांग्रेस पार्टी लड़ेगी। लगातार 29 तारीख से सिटी न्यूज जिस तरीके से रिपोर्टिंग कर रहा था, जिसके बाद विरोधी विपक्ष से लेकर मुख्यमंत्री ने घटनास्थल का दौरा किया,
और पीड़ित परिवार को मुआवजा देने के साथ साथ नौकरी देने का भी वादा किया। आज कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और कांग्रेस के लीडर यानी ये नाना पटोले आए थे, उन्होंने क्या कहा आपने सुना। आपको बता दें कि यहाँ पर राज्य सरकार कुछ इस घटना को नैसर्गिक बता करके अपनी चमड़ी बचाने की कोशिश कर रही है, जबकि ये मानव निर्मित घटना है। अगर इंजीनियरिंग फॉल्ट नहीं होता और इंजीनियरिंग डिजाइन के हिसाब से अगर चेम्बर सही तरीके से होता तो दीवार नहीं रहती और वो लोग मिट्टी के अंदर समा नहीं पाते। आपको बता दें कि 29 तारीख से यानी आज लगातार 22वां दिन है राकेश यादव जेसीबी से जमीन के अंदर दफन है, जिसे निकालने में एनडीआरएफ हो चाहे आर्मी हो चाहे एलएनटी हो या फिर एमएमआरडी हो, किसी को भी नाकामी ही हाथ आ रही है। अब केंद्र सरकार राज्य सरकार बड़े बड़े दावे कर रही है, लेकिन धरातल पे क्या है आज भी स्थिति जैसे है वैसे है। आज भी करीब 6 से 7 मीटर जमीन के नीचे जेसीबी दबी हुई है। इसी तरह खबरों के लिए मेरे यानी शकील शेख एकता पोद्दार के साथ बने रहे, देखते रहे सिटी न्यूज मुंबई।